अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अब्दुल्ला नवाज फ्रॉम प्रॉपर्टी सर्विसेज रियल एस्टेट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं जो कि आप डीएचपी शॉपर की वीडियोस के ऊपर करते हैं। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा माजरा चाहूं, आवाज के हवाले से जो साउंड क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम इस टाइम ओपन एरिया में मौजूद है और ये एरिया है पाकिस्तान चौक है, और इधर हम आपके कमेंट्स का जो है वो रिप्लाई करेंगे। कमेंट्स के जो रिप्लाई है वो थोड़े शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है टाइम की, जिसकी वजह से थोड़ा सा कमेंट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं। सारे कमेंट्स को कवर नहीं करेंगे, जो मेन मेन कमेंट्स हैं उनको सिर्फ हम कवर करेंगे। सो दानवे, क्या हाल है आपको? जी शुक्र अल्लाह का जी। सबसे पहले हमारे पास कमेंट है, व्हाट अबाउट प्लॉट प्राइस और किन्नार फाइल प्राइस, जो है फाइल की प्राइस? अब्दुल्ला, यहाँ पे फाइल की प्राइस जो थी, अगर कुछ महीने पहले यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ पे चली गई थी 125 तक की, यहाँ पे ट्रेड हो रही थी। लेकिन अभी जो हालात है उसकी वजह से जीरो पेड एफिडेविट जो है उसकी प्राइस इस टाइम है तकरीबन करोड़ रुपए, और एलोकेशन है वो तकरीबन 95 का है, एलोकेशन एक कनाल का। ये 95 इस वजह से है कि इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस पूरे पे करें, किसी के ऊपर फुल पे किए, किसी के ऊपर जो है कुछ कम है। लेकिन जो जीरो पेड एफिडेविट है उसकी प्राइस 1 करोड़ के करीब है तकरीबन अभी। सो नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, आर देयर एनी डेवलपमेंट चार्जेस एप्लीकेबल ऑन 1 केनाल एंड 10 मरला प्लॉट फॉर प्रिज्म? देखिये, यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो पूरे डीएचए में अभी एक ही चल रहे हैं। 1 केनाल पे 22.5 लाख रुपए है, 10 मरले पे 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, 5 मरले पे 9.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं। वो 1 केनाल जहां पे भी है, ए ब्लॉक से लेके आई ब्लॉक तक सेम है। 10 मरले का प्रिज्म जी में एफ में वो डेवलपमेंट चार्जेस सेम है, 5 मरले के 9.5 लाख रुपए, और 10 मरले के 13.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस सेम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, सर आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी फैमिलीज करंटली डीएचए पेशावर में रह रही है? यहाँ पे तकरीबन इस टाइम कमोबेश तकरीबन कोई 100-150 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, और अभी तक जो घर अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ कंप्लीट हो गए हैं, और जो शुरू हुए तकरीबन उनकी क्वांटिटी जो बनती है वो तकरीबन 450 घर हैं, जो पूरे अभी ये 3 से 4 ब्लॉक्स में घर बन रहे हैं ये। तो उसके बाद हमारे पास डॉक्टर अतीका कमेंट है, वो कहते हैं, सर मार्केट स्टिल गोइंग ऑन, एनी साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट? डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले भी, मैंने अपनी काफी वीडियोस में पहले मैं बताता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें जो इस टाइम मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें खाली डीएचए पेशावर के साथ ये प्राइसेस का इशू नहीं है, इस टाइम पूरे पाकिस्तान में ये इशू चल रहा है, क्योंकि कारोबार नहीं है। और जैसी थोड़ी सी मार्केट स्टेबल होगी, गवर्नमेंट के मामलात स्टेबल होंगे, फिर ये मार्केट जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अभी ये बाइंग टाइम है, ये जो आजकल चल रहा है जितनी प्राइसेस डाउन हो चुकी हैं, ये एंड यूजर के लिए बड़ी अच्छी मार्केट है। उसके बाद हमारे पास एक कमेंट है, वो कहते हैं, इफ यू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट इन रेगी मॉडल टाउन जोन 3, देन यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट योर होम, गैस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल विद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लैंड। ये जो आपने सवाल किया है कि जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो आप कहते हैं कि जी रेगी टाउन में आप घर बना सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, डेवलपमेंट है, नो डाउट वहां पे सब कुछ मौजूद है। लेकिन डीएचए एक ब्रांड है, डीएचए के अंदर जो सिक्योरिटी डीएचए दे रहा है वो आपको रेगी नहीं दे रहा, वो आपको हयाताबाद सिक्योरिटी नहीं दे रहा। यहाँ पे गैस भी मौजूद है, यहाँ पे बिजली भी मौजूद है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, हर ब्लॉक में मस्जिद, मिनी मार्ट, पार्क, सब कुछ यहाँ पे बन रहा है। मेन पे यहाँ पे ये बैंक्स बन रहे हैं, जो मैंने आपको पिछली काफी वीडियोस में बताया था। तो मेरा ख्याल है कि ये रेगी से लाख दर्जे ये डीएचए जो है ये बहुत बेहतर है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पे घर बनाने के लिए, एंड यूजर के लिए तो बहुत अलग चीज है ये। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास जलान खान के, वो कहते हैं, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज बोट प्लॉट फॉर सेक्टर एफ दैट दे विल कंस्ट्रक्ट देयर ओन होम इन सेक्टर एफ, बट डीएचए टोटली इग्नोर्ड एंड सडन चेंज इट प्लान ऑफ G1 एंड G2। पर्सनली आई बोट 5 मरला प्लॉट इन सेक्टर एफ अबाउट 20 मंथ्स अगो, अराउंड 40 to 42 lakh, एंड स्टिल आई एम गेटिंग ऑफर्ड 48 to 50 lakh इन मार्केट। माय ओपिनियन, डीएचए डीवैल्यूड माय अमाउंट एंड डीएचए
Peshawar still don't have plan for sector F. As you are saying, we have to wait 2 to 3 years more for map and then development. And I have visited personally few days ago. But speed is very slow. They have announced possession of deep prism around 1 year ago, but I haven't seen any development of completion in deep prism till now. DHA only developed Pakistan chonk in last 7 to 8 years. Azdan sahab, aap pehle bhi kafi aapke sawal aate rehte hain hame, aur main aapke har sawal ka jawab bhi deta hu. Aap jo baat kar rahe hain bilkul theek kar rahe hain apni jagah pe, lekin aap ye dekhe ki is time कौन सा DHA ऐसा है जहां पे आपको इतने कम बजट में 5 मरले का प्लॉट मिले, या अगर आप बात करते हैं कि जी 6-7 साल हो गए और ये DHA ने लॉन्च किया हुआ है और यहां पे अभी तक इसकी इसका नक्शा नहीं आ रहा और इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या रेगी में, हयातबाद में या और किसी जगह आपको क्या ये डेवलपमेंट दी जा रही है जो DHA में दी जा रही है? और बाकी जो आपने कहा है कि जी एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक का भी मैप जल्दी आ जाएगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे काफी अफवाहें उड़ाई हैं कि जी यहाँ पे DHA के पास लैंड मौजूद नहीं है. मैं एक बात पहले भी मैंने की थी और आज फिर दोबारा करता हूँ कि अगर आपके पास DHA का एलोकेशन लेटर मौजूद है, अलॉटमेंट लेटर मौजूद है प्लॉट नंबर का, तो वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि यहाँ पे लैंड मौजूद नहीं है. ये DHA की जिम्मेदारी है कि जब इसकी डेवलपमेंट होगी तो DHA आपको उस प्लॉट का पोजेशन देगा. हाँ, अभी लेट हो रहा है, लेकिन जिस टाइम इसका नक्शा आता है और इसको पोजेशन दिया जाता है, तो आज का वो 50 लाख वाला प्लॉट या 60 लाख वाला प्लॉट जब उसे पोजेशन दिया जाता है तो वो 90-95 लाख रुपए का हो जाता है. तो आपको ये बेनिफिट भी तो DHA देता है. DHA ने क्या बेनिफिट आपको देना? ये मार्केट का ट्रेंड है कि जब नक्शा आता है तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है, प्राइसेस खुद ब खुद ही इंक्रीज होने शुरू हो जाती हैं. थोड़ा सा टाइम लगता है. अभी जो आप टाइम इसको दे रहे हैं अपना, अभी आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, तो वो टाइम की इन्वेस्टमेंट आपको टाइम के साथ ही DHA देगा. जिस टाइम आपका ये 50 लाख वाला प्लॉट आपका वो चला जाएगा तकरीबन 90 लाख रुपए पे, 5 मरले का प्लॉट. आप ये देखेंगे DHA ने क्या बेचा है. DHA ने बेचा नहीं है, ये NOC वाले प्लॉट है और DHA ने तो आपको दिया 9.5 लाख रुपए में. 9.5 लाख रुपए में दे के अभी आप लोगों ने 5 मरले के ऊपर 9.5 लाख रुपए में से 2.5 या 3 लाख रुपए आपने डेवलपमेंट चार्जेस दिए. 3 लाख रुपए आपका सिर्फ इन्वेस्ट हुआ है और उसके बाद आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है. अब उस टाइम की इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको जो मिलना है वो, तो अभी DHA आपको 60 लाख रुपए का अभी बेचे आपको 60 लाख रुपए मिल जाता है, यानी 3 लाख रुपए लगा के. कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि 3 लाख रुपए लगा के आपको 60 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहा हो? और जिस टाइम नक्शा आ जाएगा और यहाँ पे इसकी इसका पोजेशन मिल जाएगा तो ये फिर आपका प्लॉट जो है 90 लाख रुपए पे होगा. जिस टाइम 90 लाख रुपए आपको मिल रहा होगा उस टाइम आपका, मेरा ख्याल है कि 5 लाख रुपए, 9.5 लाख रुपए में से सिर्फ 5 लाख रुपए गया होगा. तो आप इन चीजों को भी थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपने सवाल का जवाब आपके पास खुद आ जाएगा कि आपने क्या इन्वेस्ट किया और DHA आपको क्या दे रहा है. नेक्स्ट कमेंट हमारे पास नवीद फकीर का है. वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब. वालेकुम अस्सलाम. बड़े खफा लग रहे हैं, अल्लाह खैर करे, जरा मुस्कुराए. उसके बाद हमारे पास कमेंट है, बहुत डाउन है प्रॉपर्टी, कब तक अच्छा हो जाएगा? ये अभी मैंने मेरा ख्याल है डॉक्टर अतीक साहब ने यही सवाल किया था और उनके सवाल का मैंने जवाब दिया था कि थोड़ा सा वेट करें, मार्केट बेहतर हो जाएगी. इस टाइम जो हालात हैं उन हालात को मद्देनजर रखते हुए आप मार्केट के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको खुद समझ लग जाएगी कि इस टाइम सिर्फ प्रॉपर्टी डाउन नहीं है, इस टाइम पाकिस्तान का हर कारोबार डाउन है. तो यहाँ पे आप अगर गाड़ियों का कारोबार कर रहे हैं या और कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो तो सारे डाउन है. जब प्रॉपर्टी चलेगी तो उसके बाद सारे कारोबार चलने शुरू हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में तो सारे कारोबार सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे. ये थोड़ा सा टाइम है, मेरा ख्याल है 6 महीने का और मजीद टाइम लगेगा, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर हो जाएगा. नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, सर व्हाट अबाउट द जी ब्लॉक मैप? जी ब्लॉक का मैप अगले, मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने तक इसका मैप आ सकता है. नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, 10 मरला पोजेशन वाले प्लॉट कौन से सेक्टर में है, प्राइस रेंज?
10 मरले के जो प्लॉट हैं ये इस टाइम प्रिज्म में हैं। प्रिज्म में अभी प्लॉट प्राइस जो थी पोजेशन वाला, ये प्राइस जो थी पहले तो ये चली गई थी 175 तक चली गई थी, लेकिन अभी ये डाउन हुई हुई है 140-145 तक आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ लैंड 13.5 लाख रुपए, डेवलपमेंट चार्जेस आपने अलग से पे करने। जो हम लोग प्राइस बताते हैं ये विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस बताते हैं। तो इस टाइम पोजेशन वाला प्लॉट आपको 140-145 के पास मिलेगा, जो इस टाइम मार्केट प्राइस है ये प्रिज्म में है। के बाद हमारे पास कमेंट है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज शेयर वन किनान रेजिडेंशियल एलोकेशन फाइल, यू हैव आल्सो स्किप्ड देम इन लास्ट वीकली एज वेल एज इन दिस वन टू, थैंक्स। किनान की फाइल्स के हवाले से सबसे पहले कमेंट के अंदर जो है कवर हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, वो कहते हैं आसिम क्या, वो कहते हैं व्हाट इज दिस टोटल प्राइस ऑफ 10 मरला इन सेक्टर जी एंड व्हिच वन इज बेटर, G1 एंड G2। आसिम साहब, इसमें G1 G2 कोई भी ऐसी नहीं है कि G1 अच्छा है G2 अच्छा नहीं है या G2 अच्छा है G1 अच्छा नहीं है। प्राइस जी ब्लॉक की अभी बोली जा रही है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस 28 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ लैंड 13.5 लाख रुपए, डेवलपमेंट चार्जेस प्लस इसके ऊपर ओन जो है इस टाइम तकरीबन कोई 75-80 इसका ओन चल रहा है। जब तक इसका नक्शा नहीं आता तो कोई भी ये नहीं बात कर सकता कि जी G1 अच्छा है या G2 अच्छा है, लेकिन DHA जब डेवलप करेगा G1 को और G2 को तो सेम डेवलपमेंट होगी। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि जी G1 बहुत अच्छा है G2 अच्छा नहीं है या G2 अच्छा है G1 अच्छा नहीं है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ये सवाल करने वाला था। उसके बाद हमारे पास नवीद का कमेंट है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एज यू सेड देयर आर सम लैंड एक्विजन प्रॉब्लम इन एंड इशू इन F&H, प्लीज शेयर डिटेल्स अबाउट दैट लैंड इशू। जी नवीद साहब, ये जो आपने सवाल किया है इसके अंदर देखें कि मैंने पहले भी काफी दफा ये बात की है कि इसके अंदर लैंड जो एक्वायर कर रही है DHA उसके अंदर एंड यूजर का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। ये DHA के अपने मामलात हैं। आपके पास DHA का लेटर मौजूद है, इसका मतलब है आपके पास एफ ब्लॉक में भी प्लॉट मौजूद है, ई ब्लॉक में भी है, आई ब्लॉक में भी, जहां पे आपके पास लेटर है आप तो अपनी अपना लेटर बेच के तो आपको जो मार्केट प्राइस बनती है आप वो मार्केट से ले रहे हैं। हाँ, जिस टाइम इसकी इसका नक्शा आता है, इसकी डेवलपमेंट होती है, तो वो मार्केट के साथ एक ऑटो पे मार्केट लगी हुई है कि मार्केट प्राइस ऊपर बढ़ती जाएगी, आपको इसकी उसी के मार्केट के मुताबिक आपको इसकी प्राइस मिल जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये टेंशन लेनी चाहिए कि जी DHA कब तक ये एक्वायर कर लेगा या इसके अंदर DHA के साथ कोई इश्यूज है। वो इश्यूज हमारे साथ नहीं है, एंड यूजर के साथ नहीं है, जिसके पास फाइल पड़ी है उसके साथ कोई इशू नहीं है। आपकी या तो ट्रांसफर रुकी हो, DHA ने ट्रांसफर आपकी रोकी हो, तो फिर हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जी हमारी लैंड जो है वो अभी DHA के पास नहीं है। लैंड DHA के पास नहीं है तो फिर हमें ये प्रॉब्लम हो कि जी ये प्राइस हमें नहीं मिल रही है, हमारा प्लॉट DHA ट्रांसफर नहीं कर रहा। लास्ट हमारे पास कमेंट है, सर कैन यू टॉक टू DHA एग्जीक्यूटिव प्लीज अपलोड मैप ऑफ जी ब्लॉक। सर आप DHA को बहुत अपग्रेड कर रहे हैं विदाउट कोई पेज और मंथली चार्जेस, डूइंग गुड जॉब। आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि आए और विजिट करें। सर 14 अगस्त को DHA के एग्जीक्यूटिव ने बोला था कि मैप आए जी ब्लॉक का, सर अब तक नहीं आया, प्लीज डू समथिंग। जी इमरान साहब, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी अगर पिछली वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि DHA ने मैप क्यों नहीं मार्केट में ओपन किया। कुछ मार्केट के हालात ऐसे थे कि मार्केट और कुछ DHA की अपनी इसके ऊपर टाउन प्लानिंग अभी चल रही है, तो टाउन प्लानिंग हो चुकी है जो DHA ने अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दी है। मैं लाहौर से यहाँ पेशावर सिर्फ आपको डेवलपमेंट दिखाने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे जी ब्लॉक की भी मैं आपको डेवलपमेंट दिखाऊं, ए ब्लॉक से लेके जी ब्लॉक तक की जितनी डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मजीद इसके ऊपर जो है मैप के हवाले से जो फाइनल डेट है वो DHA की तरफ से होगी। हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये DHA 2 महीने तक इसका मैप ले आएगा, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से DHA ने अभी मैप खुद रोक लिया है, और इंशाल्लाह ताला इसका 2-3 महीने में मैप आ भी जाएगा। वेल व्यूअर्स, यहाँ तक हमारे जो है शॉर्ट लिस्टेड कमेंट थे। बाकी सारे जो कमेंट्स हैं अब तक जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं उनके पर यही क्वेश्चन थे कि F और G के हवाले से कि मैप कब तक आएगा,
या एफ ब्लॉक का जो प्राइस है उसके हवाले से, तो उसके हवाले से पहले 4-5 कमेंट्स के अंदर डिस्कशन हो चुकी है। फर्दर हम ऑन ग्राउंड मौजूद है और यहाँ पर जितनी डेवलपमेंट आपको दिखा सकते हो अपनी इन वीडियोस, इस मंथ वीक की वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह सारी वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएंगी और आपको सारी डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, ए ब्लॉक की, बी ब्लॉक की, सी ब्लॉक की, प्रिज्म की, जी ब्लॉक की और एफ, और कोशिश करेंगे कि एच और आई की लैंड भी आपको दिखा दें। और जो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है कि लैंड डीएचए के पास नहीं है, मुश्किल हो रही है क्वेश्चन करने में, वो सारे डॉक्स ही आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे इस ऑन ग्राउंड वीडियोस के अंदर। फर्दर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक और फॉलो कर लें ताकि कोई भी पोस्ट जो है या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे ना मिस आउट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।